आज बुनियादी तौर पर दो चीजों की हम बात करेंगे। एक तो जो ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान की अवाम के ऊपर मजीद टैक्स डालने की कोशिश की गई और जिसको मुस्तरद किया सदर पाकिस्तान ने, और इस एडवाइस के साथ वापस भेजा है कि आप इसको पार्लियामान के अंदर रखें, उसकी जरा सी बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे कि इस वक्त जो आईन से इनहराफ करने की कोशिश जारी है और इस वक्त किस तरीके से पाकिस्तान की आईन, पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरे में डाला जा रहा है सिर्फ इस खौफ से कि इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़, कल शाम से खबर चल रही थी मीडिया के ऊपर, को खबर चली को मैंने को माफी शूफी मांग ली है उससे, इलेक्शन कमीशन से। सो वो मैंने अपने वकील को फोन किया, मैंने कहा ये क्या कहानी है, तो पता चला उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो कानूनी तौर पे जो है वो कोई माफी नहीं है, उसके अंदर हमने ये लिखा ये लिखा ये लिखा, तो लीगल लैंग्वेज होती है ऐसी। मैंने उनको कहा जी लीगल लैंग्वेज जो भी होती है, जो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं उस पर खड़ा हुआ, इसी कमरे से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसील से दलाइल की बुनियाद पर बताया था कि किस तरीके से प्रोहिबिटेड फंडिंग केस जो है, ममनुआ फंडिंग केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने हकाइक की और कानून की खिलाफ वर्जी की है। मेरे कोई जहन में इसमें इबाम ही नहीं है। और ये और आजकल जो अभी हो रहा है जिसकी भी हम मजीद बात करेंगे, ये इलेक्शन की तारीख वाला, कि इलेक्शन कमीशन एक फरीक है, वो एक सियासी फरीक है, वो एक गैर जानबदार आईनी इदारा नहीं के तौर पर नहीं काम कर रहा। इसलिए मैंने अपने वकला को हिदायत दी है कि वो जवाब वापस लें, एक उसका तरमीम शुदा जवाब आज ही जमा कर दिया जाएगा जिसमें वो जो पैराग्राफ है जिसकी वजह से कोई भाम पैदा हो रहा है उसको खत्म कर लें, और कोई इसके अंदर ना उनके पास ये कानूनी हक हासिल है आइन के अंदर, बिल्कुल वाजे आर्टिकल 204 के अंदर कि उनके पास ये इख्तियार नहीं हासिल है, सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है, कंटेम्प्ट का तोहीन का इख्तियार जो है। और जो हनीफ अब्बासी केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाजे फैसला कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अदालत है ही नहीं, वो अदालत भी अगर हो तो वो भी आइन के अंदर 204 में लिखा हुआ कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये तोहीन का इख्तियार है। तो ये उनके पास ना उनके पास इख्तियार है ना हमने जो बातें की हैं, जो हमने उनकी जानिबदारी की दलाइल की बुनियाद के ऊपर, ठोस हकाइक की बुनियाद के ऊपर जो तनकीद की है वो तनकीद पर आज भी खड़े हुए। अच्छा जी, अब आ जाएं इसके ऊपर, मैं वापस आऊंगा इलेक्शन कमीशन को के ऊपर जब हम बात करेंगे पंजाब असेंबली की इलेक्शन की तारीख के ऊपर। अब आ जाइए जनाब, जो इन्होंने कोशिश की है, पहले इन्होंने एक रिजीम चेंज साजिश की ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान पैदा किया, उस सियासी बहरान की वजह से एक माशी बहरान पैदा हुआ, वो माशी बहरान जो है इनकी आपस की लड़ाई की वजह से मजीद खराब से खराब होता गया। मिफ्ता इस्माइल बैठ के यहां पर एक फैसला करने की कोशिश करते थे, इसहाक डार बैठ के बाहर से उनकी टांगे खींचने की कोशिश करते थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर कह रहे हैं। उसके बाद इसहाक डार साहब आ गए, इसहाक डार साहब ने कहा कि मैं जो हूं IMF से जो है ये तो बात ही ठीक नहीं कर रहा था, मैं जानता हूं IMF कैसे काम करता है और मैं सब ठीक करवा दूंगा और हम जो है वो जबरदस्त IMF के साथ मायदा करेंगे जिसके अंदर ये जो शरायत मिफ्ता इस्माइल मानने जा रहा था वो नहीं मानी जाएंगी। लो जी, वो कहानी शुरू होगी। साथ ही उन्होंने बाहर की बैरूनी जो एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान की और तमाम दुनिया की क्रेडिट रेटिंग करती हैं, यानी वो ये फैसला करती हैं कि इस मुल्क के पास क्या ये सलाहियत हासिल है, क्या इसके पास ये इस्तेआत है कि अपने बैरूनी कर्जे वक्त पे वापस कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, उन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग गिरानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो खतरनाक हद तक कमजोर होता जा रहा है और इसके पास सलाहियत कम होती चली जा रही है अपने बैरूनी कर्जों को वापस करने के लिए। जब डार साहब को यह बताया गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं उनको गलतफहमी हुई है, तो उन्होंने कहा जी लेकिन उन्होंने तो ये कहा है, तो कहते फिर मैं उनसे अपनी जुबान में बात करूंगा। वो अपनी जुबान में जो बात करनी थी और जो उन्होंने IMF को समझाना था, उसका नतीजा ये निकला कि कल फिच जो एक तीन जो दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उसमें से एक है, उसने पाकिस्तान के कर्जा देने की सलाहियत को मजीद गिरा दिया है और एक नहीं दो स्टेप से नीचे गिराया है। और इस वक्त वो एक अंग्रेजी में इस्तेलाह होती है जंग बॉन्ड, उसको आप ये समझ लें कि वो जो कर्जा है वो
एक रद्दी के कागज के बराबर हैसियत रखता है इस वक्त पाकिस्तान का, जो बाहर का जो कर्जा लेकर बैठे हुए जो कर्जदार है उसके पास जो पाकिस्तान के कागज है। ये सूरत हाल उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ कर दी, IMF के साथ ये फैसला नहीं कर पाए, ये चलते रहे, ये चलते रहे। ये बहुत बातें करते थे हमारे कि तरीके इंसाफ ने अपना IMF का एग्रीमेंट देर किया था, और भाई देर इसलिए हुआ था कि इमरान खान की बात में सच्चाई थी, दुनिया इमरान खान की बात मानती थी। $2 अरब UAE से मिले, $3 अरब सऊदी अरेबिया से मिले, $3 अरब की क्रेडिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिली ऑयल इंपोर्ट्स के लिए, $3 अरब चाइना से मिले, और नतीजा ये निकला कोई बड़ा बोरा नहीं पैदा हुआ, कोई रुपए के ऊपर जिस तरीके से 100 रुपए इधर गिर गया है कोई ऐसी रुपए की गिरावट नहीं नजर आई, महंगाई सिंगल डिजिट यानी 10% से भी कम पे रही जो आज 34% के ऊपर पहुंची भी है। तो इमरान खान ने तो टाइम इसलिए लगाया कि उन्होंने मजबूत बुनियाद बनाई भी थी और उस बुनियाद के ऊपर एक तगड़ी नेगोशिएशन की गई मुआहदे के ऊपर IMF के साथ, और आखिरकार वो IMF का मुआहदा हो गया और पाकिस्तान के अंदर कोई बहरान भी आपको नजर नहीं आया। इन लोगों ने इतना शदीद बहरान पैदा किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतने कम जरे मुबादला के जखायर, जो हमारे दरामदात करनी होती हैं, जरे मुबादला के जखायर को उनकी निस्बत देखा जाता है, यानी कितने दिन या कितने हफ्ते या कितने महीने के जरे मुबादला के जखायर हैं आपके दरामदात के पैसे देने के लिए। इस वक्त जो उसका लेवल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम लेवल है। यहां पर एक लेकर आ गए रुपया, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 90 रुपया गिर चुका है, साथ के साथ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई लेकर आ गए, उसके साथ लाखों लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, हजारों लोग जो है वो अपनी रोजगार से हजारों कारोबार जो हैं वो बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये सब करने के बाद अब वो ये कहते हैं कि जी हमें तो बड़ी जल्दी है, हमारे पास तो टाइम नहीं बचा है, तो ये सदर साहब जो है ना एक ऑर्डिनेंस पेश कर दें ताकि इनको असेंबली में, ये अवाम से तो भाग रहे हैं, ये तरीके इंसाफ से तो भाग रहे हैं, ये अपने जो मेंबरान कौमी असेंबली है ये उनके सामने नहीं जाने को तैयार, ये इतने खौफजदा हैं, ये नहीं चाहते। आईन के अंदर वाजे लिखा हुआ है कि आप जब बिल पेश करेंगे, मनी बिल जिसको कहा जाता है, यानी जिसके अंदर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, उसके लिए जिस दिन वो मनी बिल जो है वो कौमी असेंबली में रखा जाएगा उसके साथ साथ वो सेनेट में भेजा जाएगा, 15 दिन कम से कम दिए जाएंगे सेनेट को कि वहां पर बहस हो और उसकी सिफारिशात आएंगी और उन सिफारिशात को देखने के बाद कौमी असेंबली के अंदर वोटिंग हो सकती है और उस बिल के ऊपर फैसला हो सकता है। इन्होंने उस सारे प्रोसीजर को बाईपास करके सीधा ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। कोशिश इनकी यह थी कि जिस वक्त ये एक पहले ही तारीखी महंगाई में पाकिस्तान को डुबोया हुआ है, जब मजीद महंगाई का बोझ डालेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये तो सदारती ऑर्डिनेंस था, सदर तो जी आरिफ अलवी तो तहरीके इंसाफ के मेंबर है, हालांकि वो आईनी ओहदे के ऊपर है, वो किसी पार्टी की मेंबर नहीं है, लेकिन वो जाहिर है 22 साल उनकी जद्दोजहद रही तहरीके इंसाफ के साथ, तो ये तो जी इमरान खान का, जिस तरीके से आजकल वो मरियम रोजाना बोलती है कि इमरान खान का मुआहदा था, वो इमरान खान का अगर मुआहदा था आपकी हुकूमत आए हुए 10 महीने हो गए, ये 10 महीने से मुजाकरात किस चीज पर हो रहे हैं, अगर पहले से मुआहदा था तो ये तो बता दो यार, मैं हफ्ते में 3 दफा इस सवाल का जवाब पूछता हूं, डार साहब आप जवाब दे दें, मरियम आप जवाब दे दें, मिफ्ता इस्माइल आजकल काफी सच बोल रहे हैं, वो जवाब दे दें इसका कि अगर मुआहदा पहले से हुआ हुआ था तो ये मुजाकरात किस चीज के हो रहे थे। तो मुआहदा जो है उसमें ताखीर इन्होंने की, गलत फैसले इन्होंने किए, अवाम के ऊपर बोझ इन्होंने डाला, और अब ये चाहते हैं के आईनी तरीकेकार से भागकर फरार हासिल करके एक ऑर्डिनेंस के जरिए छुप छुपा कर मजीद इसके ऊपर बोझ डाल दिया जाए। और मेरे ख्याल में सदर साहब ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि उन्होंने ये इनको एडवाइस दी और वापस भेज दिया है कि आप जो है ये असेंबली के अंदर इस बिल को पेश करें। दूसरी, अगर इसी से आप देखें इसको किस तरीके से ये जुड़ी हुई है, एक मजमुई तौर पर सूरत हाल क्या हमारे सामने आ रही है, क्योंकि एक साजिश के तहत हुकूमत बदली गई, वो साजिश जो है वो बेनकाब हो गई, पाकिस्तान जो है इनके खिलाफ खड़ा हो गया, तारीख के अंदर जिस तरीके से किसी लीडर के साथ पाकिस्तानी कौम नहीं निकली वैसे इमरान खान के साथ निकल आई, जो इलेक्शन हुआ उसमें 75% 80% सीटें तरीके इंसाफ जीत रही थी, उसके बाद हमने असेंबलियां तहलील कर दी, इन्होंने कहा ये कर नहीं सकते, हमने असेंबलियां तहलील भी कर दी,
अब आईन के अंदर वाजे तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, कोई उसके अंदर इबाम है ही नहीं। उसके बावजूद 31 दिन गुजर गए हैं पंजाब असेंबली को तहलील हुए हुए, आज तक तारीख नहीं दी गई है। यानी सीधा सीधा आईन से इनहराफ करने की कोशिश की जा रही है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हर महीने वफाकी हुकूमत के 1000 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात, 1000 अरब से ज्यादा महाना अखराजात के पैसे देती है, यानी पूरे साल के अंदर 12000 अरब से ज्यादा वो अखराजात उठाती है। वो कहती है कि 12000 अरब तो हमारे पास हैं, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए 60 अरब हमारे पास नहीं है। इससे ज्यादा क्या वाजे चीज हो सकती है कि ये फैसला कर बैठे हैं कि क्योंकि इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अगर आईन भी तोड़ना पड़े तो आईन भी तोड़ दो, लेकिन इलेक्शन से भाग जाओ। इसी के साथ आपने एक पूरी मुनज्जम कैंपेन देखी होगी, इस वक्त अदलिया के ऊपर हमला शुरू हो गया। ये पुरानी पार्टी, इनका पुराना काम ये, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग लेके चढ़ दौड़े थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला जो है फिजिकल हमला कर चुके थे, पुराने काम है इनके, इनको आदत है पुराने जज खरीदने की, फोन कॉलों के ऊपर फैसले कराने की, वीडियोस देख बनाकर जजों को डराने की, सारी रिकॉर्ड की बातें, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। तो इनसे, इनको अब ये खौफ आया हुआ है कि अदलिया इनके साथ शरीक होने को तैयार नहीं है आईन तोड़ने के जो इनका मंसूबा है उसके अंदर, इसलिए अदलिया के ऊपर एक पूरी मुनज्जम इस वक्त जो है वो कैंपेन शुरू हो चुकी है और उनके ऊपर जोर डालने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का आईन भी बरकरार रहेगा, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत भी कायम रहेगी, इंशाल्लाह ताला ऐसी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है जिसके अंदर फैसला साज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम होंगे। कोई बंद कमरे की साजिशें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले नहीं करेगी, और ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें भागने की, इनको भागने नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, इनको घसीट के ले जाना पड़ेगा इलेक्शन के अंदर, लेकिन लेकर जरूर जाएंगे। और आखिर में मैं अब उस इलेक्शन कमीशन पे आता जो मैं बात कर रहा था। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया जुमे के दिन। कितनी अदालत के जहन में इस काम के लिए अर्जेंसी थी, यानी कितना इसको जल्दी करने की जरूरत थी आईनी तकाजे पूरे करने के लिए, कि वो जुमे के दिन रात तक बैठे अपना फैसला लिखकर उन्होंने उसी दिन फैसले का अनाउंसमेंट की, उन्होंने ऐलान किया और दो टोक हिदायत दी कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए गवर्नर से मुशावरत के बाद। यह जुमे की रात को होता है, हफ्ते को कोई मुशावरत नहीं, इतवार को कोई मुशावरत नहीं, पीर को कोई मुशावरत नहीं, मंगल को जाके मुशावरत होती है, फैसला लिखा हुआ है फौरी तौर पर। और ये कौन सा इलेक्शन कमीशन है? ये वो इलेक्शन कमीशन है जहां जब एक हलके के चंद पोलिंग स्टेशन से दावा किया गया था कि धांधली हुई है, तो ये आधी रात को खोल गए थे, आधी रात को उन्होंने खोली थी एक हलके के चंद पोलिंग स्टेशन की धांधली के ऊपर। यहां पूरे पाकिस्तान का आईन टूटने की बात हो रही है और इन्होंने 4 दिन के बाद मुशावरत की। अब वो मुशावरत भी कल मुकम्मल होगी, अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? अब पहले तो इलेक्शन कमीशन जो फैसले करता रहा है हमारे ख्याल में, और हम दलील के साथ ये बात करते रहे, और हाई कोर्ट्स ने बार बार तवातुर से हमसे इत्तफाक किया कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए वो कानून के बरखिलाफ है, और हाई कोर्ट इनके फैसलों को ओवरटर्न करती रही है, लेकिन अब तो ये आईन से इनहराफ होगा। और खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको मैं ये बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके भी कहने पे कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, चाहे दोनों में से कोई भी तरीका है, आप पछताएंगे आईन से इनहराफ करके। ये गलती ना करना। आप लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, कुर्सियों का वक्त गुजर भी जाता है, लेकिन आईन से इनहराफ अगर आपने किया तो कभी ना कभी आपने जरूर कानून की गिरफ्त के अंदर आना है। इसलिए पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरे में ना डालें, पाकिस्तान को आईन, पाकिस्तान के आईन को तोड़ने की साजिश के अंदर आप शरीक ना बने, और फौरी तौर पर आप तारीख का ऐलान करें और हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को इलेक्शन के अंदर लेके जाएं। इस सिलसिले में मैं सिप्तैन खान स्पीकर पंजाब असेंबली से दरखास्त करूंगा कि वो आपको बताएं कि इन्होंने पहले किस तरीके से इस मामले को उठाया गवर्नर के साथ, और अब ये आगे किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ उठाने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि पहले भी रिपीटेडली हम गवर्नर साहब को ये कहते रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी कानून की या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन ना करें, कानून और आईन आपको पाबंद करता है। और वो इस तरह पाबंद करता है कि जिस दिन हमारे सीएम ने रेजोल्यूशन के लिए इनको लिखा, इनका ये फर्ज बनता था कि ये पहले ये केयर टेकर से भी पहले ये इलेक्शन की डेट अनाउंस करते, फिर ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड देन कैबिनेट। तो उन्होंने मर्जी के तो दो काम कर लिए, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की भी नीचे हुकूमत बना दी, उसका केयर टेकर मिनिस्टर्स भी बना दिए। मैं गलत फहमी या जल्दबाजी में मैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं कह रहा, मैं सोच समझ के कह रहा हूं। इस वक्त क्या केयर टेकर गवर्नमेंट्स इस तरह काम करती हैं जो ये कर रही हैं? ये हर दूसरा काम कर रही हैं, बट जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपने ये काम करना है, उसके अलावा ये हर काम कर रहे हैं। तो आप सिंपली कहें कि नेशनल में भी मुस्लिम लीग नून है, प्रोविंस में भी मुस्लिम लीग नून है, और ये आज के बाद बराए मेहरबानी ये आई वॉश केयर टेकर वाला लफ्ज इस्तेमाल ना करें। अगली बात आ गई, इसके बाद अब आखिरी जब मैंने खत लिखा, आप दोस्तों को पता है मैंने फिर रिपीटेडली गवर्नर साहब को यह कहा कि आप अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशंस प्लीज ना करें और इसको सीरियसली लें और आप हमें इलेक्शन डेट दें। उसके बाद जो हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, उसमें हाई कोर्ट का डिसीजन अगर आप आखिरी पैरा पढ़ें, उसमें वर्ड लिखा हुआ है इमीडिएटली आप इलेक्शन अनाउंस करें एंड यू कैन नॉट डिप्राइव योर पीपल फ्रॉम राइट ऑफ वोट, या उनको आप वोट से दूर नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारा ये राइट था, हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमारी मर्जी हमने डिसॉल्व कर दी और ये पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक मुल्की हालात को देखते हुए चेयरमैन ने ये डिसाइड किया, हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन नहीं की। अब वॉयलेशन हो रही है तो मेरे लॉयर्स काम कर रहे हैं, आज हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को लेटर डायरेक्ट लिखने लगे हैं कि आप गवर्नर साहब के खिलाफ एक्शन लें। और गवर्नर साहब जो है ही इज ट्राइंग टू वॉयलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हाई कोर्ट के कल 3 घंटे की मीटिंग हुई है, इतना क्या इशू था? जब इलेक्शन कमीशन आपके पास, गवर्नर साहब 3 घंटे की आप मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें यू शुड हैव डिसाइडेड कि हमने किस तरफ जाना है। अब आज इलेक्शन कमीशन वाले मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग खेलना छोड़ दें, लोगों को अपना राइट दें, लोगों के पास जाएं। कल एक प्रोग्राम पे एक दोस्त ने कहा कि जी चूंकि पीएमएलएन का इस वक्त ग्राफ बड़ा नीचे है, वो इसलिए लंबा इलेक्शन को करना चाह रहे हैं। भाई अब ऊपर नीचे फेडरल प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट है, उनका ग्राफ नीचे है, तो इसमें आप अवाम को क्यों दुख दे रहे हैं, अवाम को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अगले 3 साल उनका ग्राफ ऊपर ना जाए तो 3 साल के लिए आप इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन को आप साइड पे रख देंगे? ये कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। इंशाल्लाह डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को लिख रहे हैं कि वो गवर्नर साहब के खिलाफ एक्शन लें या गवर्नर डेट दें अदरवाइज। और फिर दूसरी बात देखें, वक्त गुजर जाता है, जिस तरह इंग्लिश में है ना कि दिस टू शैल पास, वक्त गुजर जाता है बट हिस्टोरियंस जो तारीख है वो लिखी जाती है। आज हिस्ट्री आपको देख रही है, जिस तरह नेशनल असेंबली वाले स्पीकर साहब कभी उधर से भागते हैं कभी उधर से भागते हैं, और इस तरह हिस्ट्री में कल आपका नाम आएगा, चाहे अच्छे अल्फाज में आए चाहे बुरे अल्फाज में आए। तो प्लीज इस तरह के काम ना करें कि जिसमें आपको खुद को भी एंबैरेसमेंट हो और कल आने वाले दिनों में आपके लिए बायस निदामत हो, बायस शर्मिंदगी हो। स्ट्रिक्टली हम कानून कायदा कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमने रहने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मुल्क की बका आईन है, और ये आईन जो मुल्क और कौमें अपने आईन को साइड पे रख के खुद अपने फैसले करती हैं, मेरा ख्याल है वो गलत बात है। और इंशाल्लाह जैसे ही ये लेटर कंप्लीट होता है मैं आप मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर भी कर दूंगा एंड वी आर राइटिंग इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सर ये फरमाएगा कि कल जो सदर मोहतरम के साथ मुलाकात हुई सरकार की, क्या उसमें आम इंतखाबात जो हैं पंजाब के पीछे और ओवरऑल सारे इकट्ठे कराने के हवाले से भी कुछ तजवीज देकर गए? नहीं जी, वो ऐसी कोई तजवीज़ नहीं लेकर आए, वो तो अपना ऑर्डिनेंस को पास करवाने के लिए आए थे और वो सदर मोहतरम ने बिल्कुल उनको ठीक एडवाइस दी है
और उन्होंने कहा है कि आप आईनी तरीकेकार जो है उसको फॉलो करें और असेंबली के अंदर जाके सामने रखें, वहां बहस मुबहसा हो, अवाम को पता चले क्यों आप मजीद उनके ऊपर बोझ डालने जा रहे हैं, क्या आपकी मजबूरी है। आप तो महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, आपने 3 गुना महंगाई कर दी है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई कर दी है। आए ना पार्लियामान के अंदर जरा समझाएं कि क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। अच्छा सर, ये बताएं कि अब एक किस्म का तो लॉकडाउन हो चुका हुआ है कि गवर्नमेंट इस मामले में, गवर्नर साहब अपने एक फरीक बन चुके हुए हैं, इलेक्शन कमीशन पूर्ण कैफियत का शिकार है कि बिल्कुल ना कोई हार ना कोई ना हो रही है। अब एक रास्ता पर अदालत ही बचा है, क्या इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट मूव हो सके? गवर्नर को तो इस्तेस्ना हासिल है, आप इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट मूव करने जाएंगे? या दूसरी चीज, एक जो फार्मूला चल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा जाएगा कि प्रेसिडेंट डेट दें, इस किस्म का कोई फार्मूले वगैरह जो आपने बनाए हो? देखिए, ये जो केस था उसके अंदर अदालत के सामने जो पैरवी की थी हमारे वकील अली जफर साहब, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो है वो 218 आर्टिकल के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर तारीख जो है वो गवर्नर नहीं दे रहा तो वो तारीख दे सकते हैं। दूसरा, जाहिर है कि जो कानून है जिसके तहत असेंबली तहलील होती है उसके अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है असेंबली तहलील करेंगे तो उसके बाद 2 काम करेंगे, पहला काम ये कि तारीख देंगे, दूसरा काम ये कि निगरान हुकूमत बनाएंगे। तो उन्होंने पहला काम नहीं किया ये कहकर के असेंबली मैंने नहीं तहलील की है, लेकिन उसी आर्टिकल के नीचे जो दूसरा काम था वो उन्होंने कर दिया। वो और बात है कि जैसे सिद्दीकुर रहमान खान कह रहे थे कि उन्होंने निगरान हुकूमत नहीं बनाई, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बना दी, तो वो उनके पास भी कोई आईनी जवाब नहीं है तारीख ना देने का। और तीसरी चीज, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है कि सदर भी ये दे सकते हैं, तो वही मैं बोल रहा हूं ना कि ये इलेक्शन तो होने, ये गवर्नर नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, तो ये सदर साहब ने तारीख दे देनी है क्योंकि वो तो आईन की पामाली होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आखिरी वक्त फिर भी है कि आर्टिकल 6 यानी इलेक्शन से आईन से के इनहराफ के मुर्तकिब ना हो, आज भी वक्त है इलेक्शन कमीशन को, और आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उम्मीद है कि अपने इजलास जो वो कर रहे हैं उस इजलास के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे, खास तौर पे इसलिए कि वो तो पहले गवर्नर को खत लिख चुके हैं कि 9 और 13 के दरमियान, अप्रैल के दरमियान तारीख दे दी जाए, तो उसमें अब कोई मजीद कोई ताखीर करने की वजह ही कोई नहीं बनती। देखिए जी, जैसे स्पीकर साहब ने भी कहा कि खत तो लिखा जाएगा सदर पाकिस्तान को, उसके बाद जाहिर है फैसला सदर पाकिस्तान ने करना है, उसके ऊपर क्या वो इकदाम लेते हैं। तारीख देने का तो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर तारीख नहीं आएगी तो वो तो मुझे यकीन है कि ये तो नहीं हो सकता कि सदर पाकिस्तान जो सबसे बड़े आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं, और जाहिर है आईन का दिफा करना उनकी जिम्मेदारी है कि वो आईन टूटते हुए देखेंगे, तो अगर और कोई किसी ने तारीख नहीं देनी, उन्होंने तो तारीख तो दे देनी है। गवर्नर के खिलाफ वो क्या इकदाम लेते हैं या नहीं लेते, ये फैसला उनको ही करना होगा। 100% जी, मुझे तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस वक्त जानबूझकर बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फैसला ये हो गया है कि सियासी मौत नजर आ रही है इमरान खान के सामने के आगे सियासी मुकाबला करते हुए ग्राउंड पे उतरते हुए, इसलिए बिल्कुल वाजे फैसला है कि अगर आईन तोड़ने की जरूरत पड़े तो आईन को भी तोड़ दिया जाए। उसी सोच की माजी है ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इन्होंने नए टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अब उनके जहन में आईन कोई मन ही नहीं रखता। बहुत अदलिया से कोई फैसला होता है तो या उसके खिलाफ अपील होती है या उसको वे किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, इनके देखने में क्या लग रहा है आपको, क्या चीज़? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ना उन्होंने अपील की है, तो वाजे इस वक्त जो है आईन तोड़ा जा रहा है, इसमें कोई और अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, में सीधा सीधा आईन। और ये मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके कैमरे के जरिए मैं ये 2-3 हफ्ते से कह रहा हूं कि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आईन खतरे में है, इस वक्त किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में है, और वो आप होता हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कामयाब है, मैं इनको नहीं होने देंगे। आप समझते हैं कि जो मुल्क के अंपायर हैं या जो खराई मखलूक का भी नाम दिया गया, आप उनसे अपील करेंगे कि वो ही करवा दें, कुछ किरदार अदा करें, क्योंकि उससे पहले जब आप
इख्तदार में आए थे तो आप भी उनके जरिए आए थे, आप उनको अपील कर सकते थे। अच्छा, ये हर दफा कहानी सुनाई जाती है कि हम उन्हीं के जरिए आए थे। तो भाईजान, मैं पहले भी बहुत दफा आपसे दरखास्त कर चुका हूं कि जरा आए ना, जरा हमारे साथ बैठे, हम आपको लोगों के साथ बिठाते हैं, खास तौर पे सिंध के अंदर, जो आपको बताएंगे कि हम तो तहरीके इंसाफ में शमूलियत की अनाउंसमेंट करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और हमारे पास फोन कॉल आई कि आपने तहरीके इंसाफ के पास नहीं जाना है। सो ये आप छोड़ देंगे किसकी वजह से आए थे, पाकिस्तान के अवाम की वजह से आए थे, आइंदा भी पाकिस्तान के अवाम की वजह से ही आना है। और आपका जो सवाल है क्या उनसे अपील करेंगे, नहीं, हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन का दिफा है और पाकिस्तान के आईनी इदारों को इसका दिफा करना है। इसका दिफा जो है वो अदलिया ने करना है, इसका दिफा सदर पाकिस्तान ने करना है, इसका दिफा पाकिस्तान के अवाम ने करना है। इस वक्त इंतखाबात का दौर चल रहा है, बहुत सारे इंतखाबात बाजवा साहब के हवाले से चल रहे हैं कि किस तरीके से पनामा से और कामा में सजा दी गई और किस तरीके से जो पता चला कि इमरान खान इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए, पहले भी हमारे यहाँ लीडर सिक्योरिटी रिस्क बनते रहे, तो ये जो अभी भी इमरान खान साहब ने भी इंतजाफ करना शुरू कर दिया कि अमरीका का कोई किरदार नहीं था, बाजवा साहब का किरदार, इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा। जो रियलाइजेशन है इस लेवल पे जो रियलाइजेशन हो रही है, इसके पीछे खास जगह से खेल खेला जाता है। सही, तो माजी में भी कुछ सवाल पे आ जाओ ना भाई, जिस तरीके से माजी में एआरटी हुआ, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, क्या इस लेवल पे पीटीआई आ सकती है कि तमाम जमातें इस बात के ऊपर मुत्तफिक हों कि उनको मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी, सही, बल्कि हम सारे मिलके बैठ के फैसला करेंगे और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तहरीके इंसाफ उनके साथ बैठ कर ये फैसला करेगी कि आइन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो आज आइन तोड़े हैं सारे पाकिस्तान को के सामने आइन तोड़े, आप कह रहे हैं मैं उनके साथ बैठ के आइन के दिफा की बात करूं, इंशाल्लाह ताला आइन का दिफा होगा और ये दिफा करेगी पाकिस्तान के अवाम और ये दिफा करेगी पाकिस्तान की अदलिया, ये पाकिस्तान के आइनी इदारे करेंगे। ये इधर उधर देखने की सियासत जो है ना, मेरे ख्याल में इसको भी वो नजरिए जरूरत को दफन करने का वक्त आ गया। कि अगर ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहा और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को कोई रास्ता ना मिला तो फिर सबको फारिग करवाया जा सकता है। अच्छा, मैं बड़ी मजेदार आपने सवाल किया, आखिरी में इस सवाल का जवाब दे जाऊं, ये वो कहते हैं कि अच्छा भी और भी सवाल है। अच्छा चले, कौमी हुकूमत, वो कह रहे हैं जी कौमी हुकूमत बनाने के ऊपर गौर हो रहा है। अब मुझे जरा ये बताएं कि कौमी हुकूमत वो होती है जिसको करोड़ों पाकिस्तानी वोट डालकर मुंतखब करें, वो कौमी हुकूमत होती है, या बंद कमरे के अंदर बैठ के पांच लोग ये फैसला करें कि किसको हुकूमत में होना है, इनमें आप बता दें मुझे कौमी कौन सी हुकूमत होती है। अच्छा, तो उमर साहब ये बताएं, सवाल किया था आप आइन तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक घर टूट रहा है, तो आप क्या इस्लाम को सामने रखते हुए उस घर को तोड़ने से बचाने के लिए कोई किरदार अदा करने को तैयार है? नहीं, मैंने तो आपको कल भी कहा था कि हम कमजोर के साथ दुखी इंसानियत के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ होती हैं, तो कैप्टन सफदर के लिए बहुत हमदर्दी है इस वक्त हमारी और अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बेहतरी लाए, अल्लाह ताला उनका घर सलामत रखे। असद उमर साहब ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अब ये कह रही है कि अगर पंजाब और केपी के भी इलेक्शन होते हैं तो पीडीएम बाद में ये कहेगी कि वफाक में पीडीएम थी तो धांधली हो गई, तो इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं? अच्छा नहीं, ये जरा वाजे कर ले, वो कह रहे हैं कि आप बाद में कहेंगे इलेक्शन के वफाक में पीडीएम थी, ओ भाई हम तो कह रहे हैं वफाक में भी पीडीएम है, पंजाब में भी पीडीएम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीडीएम है, हम फिर भी इलेक्शन मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं बल्कि एक सियासी फरीक है, बल्कि फिर लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन मांग रहे हैं। 22 करोड़ एक तरफ खड़े हुए हैं और ये चंद लोग एक तरफ खड़े हुए, इंशाल्लाह ताला जीतेंगे 22 करोड़। आप क्या